सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निदाना तुमरी महिमा वर्ण ना सको तू ठाकुर ऊंच भगवाना तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सोहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले मत सुमत तेरे वस स्वामी हम जंत तू पुरख जंतनी जन नानक के प्रभ करते स्वामी ज्यों पावै तिवें बुलैनी बेशुमार अथाह अगणत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। परम सत्कारयोग शब्द गुरु ज्ञान दे सागर जागदी जोत हाजरा हजूर जहरा जहूर सब कला भरपूर बाणी के बोहित चवर शतर तख दे मालक तन 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 साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी अंदर हाजरी परदिया होया बाला प्रीतम धन गुरु हरकृष्ण साहब जी दे पितर पावन चरण शो अस्थान ते जुड़ बैठ अते मीडिया राही दूर दुराडे देशां विदेशां विच गुरद्वारा बंगला साहब तो चल रही गुरबाणी कीर्तन गुरबाणी शब्द विचार नाल अपने मन नूं गुरु दे चरणां विच जोड़न दा यतन कर रहे सरबत माई भाई वडभागी सतसंगी जन आओ सतगुरु दी मेहरम सदका कृपा सदका आप जी ने आसा की वार दा कीर्तन सत्कारयोग भाई साहिब पासों बड़े प्यार नाल श्रवण कीता है उपरंत इस अस्थान ते चल रही धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी लड़ीवार विचार जिस दे अंदर जो अज दा शब्द जिस नूं आपां सतगुरु दी मेहरम सदका समझण दा यतन करना है उस दा मूल पाठ आप जी ने अति सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी पासों बड़े प्यार नाल श्रवण कीता है। धन गुरु ग्रंथ साहिब अंदर भगत कबीर जी दी बाणी जिन्हां नूं श्रोमणी भगत दा दर्जा मिलिया उन्हां दी इह बाणी दा शब्द जो गौण राग अंदर है आप जी ने श्रवण कीता है। आओ सत संगत इस शब्द अंदर जो भगत कबीर जी सानू समझाना कर रहे ने क्योंकि अध्यात्मिक जे कमाणी है भगती जे कमाणी है ये मन दा विशा है मन की है कि विचारां दा विशा है ते विचारां नू मारना चंगे विचारां नू समझना इस मन नू गुरु अगे समर्पित करना। सो आओ सत संगत मन दी विचार मन नू किवें मारना है मन नू किवें गुरु दे अगे नचाना है इस नू आपां समझण दा यतन करना है। सतगुरु दी बाणी दे इह पंक्तियां आपां चेते विच रखीए क्योंकि तन भावें गुरु दे कोल बैठा होवे
जां तन किसी दूर दरेडे थां ते होवे पर जे मन हाजर है दूर दरेडे बैठिया भी गुरु का उपदेश मन दे उते है मन उस अनुसार चल रहा है विचार उस अनुसार मन विच चल रहे ने ते सतगुरु कहंदे ने तेरी हाजरी प्रवान हो जाएगी पर जे तन तेरा गुरु दे कोल भी बैठा है पर मन किते बाहर भटकना विच है मन किसे होर विचारां विच है ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी बख्शिश करदे ने कहंदे गुरसभा एव ना पाई है ना नेड़ै ना दूर नानक सतगुरु तां मिलै जां मन रहै हजूर। सतगुरु धन गुरु अमरदास पातशाह ने बख्शिश की कहन लगे भाई इस गल ते विश्वास करी विश्वास कर शब्द नाल प्रेम कर तां तेरे मन की हाजरी तेरे गुरु घर विच प्रवान होवेगी पर जे तेरा मन हाजर नहीं है तेरे मन नूं विश्वास ते भरोसा नहीं है तेरे मन अंदर शब्द का प्रेम नहीं है ते भावें तू 100 वारी भी गुरु घर विच आवें जां आपां इउं भी समझ सकते हाँ कि आपां जिन्नी भी गुरबाणी पढ़ी पर जदों तक मन नूं भरोसा नहीं है मन अंदर प्यार नहीं है ते सतगुरु कहिंदे ने मन प्रतीत ना आईआ शब्द ना लागो पाओ तिस नूं सुख ना उपजै भावें 100 गेड़ा आवो जाओ। आओ सात संगत मन नूं गुरु चरणा नाल जोड़न दा यतन करिए गुरु के शब्द दी विचार विच साडा मन टिक जाए। सो आओ जो भगत कबीर जी अस इस शब्द अंदर बख्शिश कर रहे ने उस दी विचार नूं आरंभ करन तों पहला करो कृपा बख्शो असीस सतगुरु दी बख्शी होई फतेह नाल सांझ पाईए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भगत कबीर जी ने अज दे शब्द अंदर जो इस शब्द का सेंट्रल आइडिया केंद्रीय भाव रख्या है भगत कबीर जी कहंदे ने कूटन किसै कहो संसार सगल बोलन के माहे विचार। कूटन की है कूटन शब्द नूं जदों समझण दा यतन करदे हाँ ते सीधे सीधे जे अर्थ करांगे ते अर्थ बनदे ने मन नूं कुटन वाला पर एक अर्थ इत्थे होर भी विद्वानां ने दर्ज कीता है और जो बड़ा नेड़े लगदा है शब्द दे ओह की है कि कूड़ लफ्ज आपां आम वरतदे आप जी रोज आसा की वार अंदर श्रवण करदे हो कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पैननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े नेह लगा विसरिया करतार किस नाल कीचै दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यों कूड़ डोबै पूर नानक बखानै बेनती तुदबाज कूड़ो कूड़। भाव की कि ये सारा कुछ जे परमेश्वर जी तुसी विच नहीं हो तुहाडा उपदेश विच नहीं है ते ये सब कुछ कूड़ है भाव के छल है फरेब है ठगी है। इस शब्द दे अर्थ भी भाव के कूड़ तों कूट ते कूट तों कूटन भाव के ठग। सत्संगत गुरबाणी अंदर ये अखर होर थां ते भी आया जिदे अर्थ ने ठग जां आपां दलाल जां आम भाषा विच उन्हूं दला कहा जांदा ओ बचन दे वास्ते भी उस अखर दे अर्थ वास्ते भी ये शब्द आया। आपां शब्द पढ़दे हाँ चोरां जारां रंडियां पुटनियां दीवान वे दिना की दोस्ती वे दिना का खान सिफती सार ना जाने सदा वसै शैतान। इस भाव विच के उस दलाल उस ठग उस दले दे अर्थां विच भी ये शब्द आया। मेरा कहण तों भाव कि भगत कबीर जी इस शब्द नूं सामने रख रहे ने ते सानू समझाना की चाहते ने क्योंकि असल विच आपां वेखीए ना कि संसार दी ये रीत है ते सतगुरु ने इस गल नूं समझाया है कि भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया।
क्योंकि भगतां विच ते संसार दे लोकां विच कदी मिलाप नहीं हो सकता, कदी जोड़ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भगत जिहड़ा है उन्हें सारियां दे सामने सच कहना है, सच बोलना है। जो उन्हूं अंदरों समझ आई है अपने गुरु दे राही, विवेक बुद्धि दे राही, क्योंकि गुरु कौन? जे आपां भगत कबीर जी नूं पुछिए ते भगत कबीर जी कहिंदे ने, कहो कबीर मैं सो गुरु पाया, जांका नाओ विवेको। विवेक बुद्धि परखण वाली के की चंगा है की माड़ा है, वो परखण वाली बुद्धि गुरु है। ते भगत कबीर जी ने कहिंदे ने, मैनू उस गुरु की प्राप्ति होई। ते साध संगत आपां वेखदे हां एक भाव तों कि भगत कबीर जी ने इस अखर नूं सामने रखिया। क्यों रखिया? क्योंकि साध संगत हो सकता है आपां वेखदे हां ना, गुरु नानक साहब ने अपनी बाणी अंदर आप इस गल नूं दर्ज कीता कि मैनू जिथे लोग शरदा भावना नाल वेखदे ने, जिथे माण ते सत्कार देंदे ने, जिथे गुरु उपदेश जान अपने हिरदे विच कमांदे ने, पर ओ लोग जिन्हां दे प्रथाए सतगुरु ने ऐसे बचन कहे सच गया कि काजी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नहावै जियां काए, जोगी जुगत ना जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद। जां ए क्या भी राजे शी मुकदम कुत्ते, जाए जगायन बैठे सुते। जां ए सामने गल कह देनी कि जैसी मैं आवै खसम की बाणी, तैसरा करी ज्ञान वे लालो, पाप की जंज लै काबलों ताया, जोरी मंगै दान वे लालो। ते इस दुनिया अंदर गुरु नानक साहब जिहड़े सच दे सरूप, उन्हां दे प्रति भी लोकां ने इहो जिहड़े बचन बोले जिन्हां नूं गुरु साहब ने आप अपनी बाणी अंदर दर्ज किया। सतगुरु कहिंदे ने, लोक कहिंदे कोई आखे भूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक विचारा। कहिंदे कोई कहिंदा ये भूत है, कोई कहिंदे ये बेताल है, भाव के जिंदगी तों लै तों टुट गया। कोई कहिंदा ये आदमी विचारा आदमी है, इहनूं की पता किसे गल दा। पर सतगुरु कहिण लगे, हाँ ठीक है तुसीं ये गल कहिंदे हो, क्योंकि मैं संसार वालों वाकया ही लोगों नूं बेताल दिसदा हां, संसार वालों वाकया ही, क्योंकि हर गल सच सामने कह देनी, हर गल नूं सब दे सामने सच कह देना। जे 9 साल की उम्र विच पुरोहित आके जनेऊ पाना चाहता है तो सतगुरु कह देंदे ने, भाई तेरा ये जनेऊ मेरे किस काम, मैनू तो वो जनेऊ चाहिए जिहड़ा जनेऊ मेरे जी दे नाल चले। कि दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट, यह जनेऊ जी का ही तो भांडे, कत ना ये टुटे ना मन लगे, ना ये जले ना जाए, धन सो मानस नानका जो गल चले पाए। तो उन्होंने लोगों ने तो आप ही यहोजे बचन बोलने ना, यहोजे नाम देने मनुख न। सत संगत सतगुरु कहते असल विच इन्हों पता नहीं कि मेरी दीवानगी की है, मेरा पागलपन की है, मैं कितने तक उस परमेश्वर के नाम नू जपन, उस परमेश्वर के नाम नू दृढ़ करन ते करान वास्ते दीवानगी कर रहा हाँ। सतगुरु कहिंदे, भया दीवाना शाह का नानक, बहुराना हो हर बिन अवर ना जान। ते साध संगत इसे तरह भगत कबीर जी का जदों जीवन वेखदे हां, ऐसे क्रांतिकारी भगत दुनिया के सामने इस ढंग नाल सच रख रहे ने कि जो सदियां तो चली आ रही परंपरा है, सदियां तो चली आ रही वेदां शास्त्रां की मर्यादा है, सदियां तो चलिया आया उन्हां दा गलबा है, उसनू ये गल कह के इनकारी हो जाते हैं कि पंडित मूलां छाडे दो हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मूलां जो लिख दिया छोड़ चले हम कछु ना लिया। मैं इन्हां विच्चों किसे गल नू नहीं मनदा। वेखो बनारस दे विच बैठ उन्हां लोकां दी विरोधता करनी, उन्हां लोकां दी विरोधता करनी जिथों ये सब कुछ चलता है, जिथों ये सब कुछ हुंदा है, उन्हां लोकां नू उत्थे बह के ये गल कह देनी कि गज साढ़े तै तै धोतियां तेहरे पायन तग, गली जिन्हां जपमालियां लोटे हथ नि पग, ओए हर के संत ना आखीए बनारस के ठग। ते ओ क्यों नहीं भगत कबीर जी नूं भी हो सकदा कहिंदे होण कि सानू ये ठग कहिंदा, ये सारियां तों वड्डा ठग है, सारियां तों वड्डा ठग है, ठगण वाला है, क्योंकि कोई गल ही नहीं मनदा किसे वेद दी, किसे शास्त्र दी, किसे ज्ञानवान दी।
सत संगत क्योंकि जो कोई मनुख सच बोलता है ना तो असी उस सच के उत्ते उन्हों की कहने हाँ क्योंकि सत संगत कई बार ऐसा होता है जो भगत कबीर जी ने भी अपनी बाणी अंदर किया कह लगे मैं ये नहीं कह रहा कि वेद ते कतेब झूठे ने मैं ये नहीं कह रहा भगत कबीर जी कहते ने वेद कतेब कहो मत झूठे झूठा जो ना बिचारे जो सब मैं एक खुदाए कहत हो तो क्यों मुर्गी मारे कहते मैं ये नहीं कहता वेद ते कतेब झूठे ने पर असल विच गल की जिवें धन गुरु अमरदास पातशाह ने कहा कह लगे असल विच गल है कि जिन्हें भी धार्मिक ग्रंथ ने जिन्हें भी धार्मिक ग्रंथ ने उन्हां दे अंदर असल विच उपदेश ते प्रभु परमेश्वर दे नाम दा है उसकी होंद नूं मन्नण दा है उसकी चरण शरण विच चलण दा है पर यह गल वखरी कि वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाहीं फिरै ज्यों बेताले पर उस गल नूं ते कोई समझदा ही नहीं ना उस गल तक ते पहुंचना ही नहीं चाहता बल्कि की करदा है आपां भी अज वेखदे हां साडी भी यह त्रासदी है कि जिवें उन्हां लोकां ने ओ अर्थ कढ ले जो उन्हां दे मतवल दे सी जो उन्हां नूं भांदे सी जिन्हां दे राहीं ओ संसार नूं ठग सकदे सी संसार दे उत्ते कर्म कांडां दा गलबा पा सकदे सी कर्म कांडां दा गलबा पा सकदे सी सच समझाण दी बजाए सच तों तोड़ के अपने नाल जोड़ कर्म कांडां नाल जोड़ बड़े सौखे तरीके दस सत संगत भगत कबीर जी ने एक बचन होर कीता कह लगे क्योंकि जेड़ा मैं रस्ता अपनाया है ना असल विच वह बड़ा औखा है भीड़ दे विच चलना बड़ा सौखा होंदा है भीड़ दे नाल चलना बड़ा सौखा होंदा है दरिया जिस पासे वल वगदा है ना उस दरिया दे विच अगर उस पासे नूं तैरना है तो बड़ा आसान है पर जे उस तों उल्ट पासे तैरना होवे तो बड़ी मेहनत की जरूरत है बड़ी ताकत की जरूरत है बड़ी शक्ति की जरूरत है बड़ी सियाणप की जरूरत है ता तू तर पाएगा तो भगत कबीर जी कह लगे मैं तो वेख रहा हाँ कि जह मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर एक औकट घाटी राम की तह चढ़ रहे हो कभी कहते जिस जेड़े कर्म कांड दसे पंडता ने उस कर्म कांड के पिछे क्योंकि बड़ा सौखा लगा मनुख नूं अज भी आपां वेखदे हां सत संगत जे तन करके सेवा करन दी गल होवे जे तन दौलत करके करन दी गल होवे जां बड़ी छोटी कोई गल दसदे अज वेखदे हां आपां इस संसार समाज दे अंदर के बड़ी हैरानगी होंदी ते असी गुरु ग्रंथ साहिब नूं मन्नण वाले भी गुरु दी बाणी नूं श्रवण करन वाले भी उन्हां भरम भुलेखियां विच पै जांदे मैं बिल्कुल संखेप विच गल समझण ते समझाण दा यतन करां अज कोई कह दे भी कीड़ियां नूं आटा पा दो किसी पंछियों कोई दाने पा दो किसी पशु नूं कोई झिगुड़ आदि खवा दो किसी तालाब विच जाके किसी नहर विच जाके इन्ना राशन पानी सट दियो इन्ने इस तरह दीआं चीज़ां सट दियो नारियल सट दियो तो मनुख बड़ा खुश होंदा है भी जे ये करन नाल मैनूं ये कुछ प्राप्त हो सकता है ये करन नाल मैनूं ये कुछ प्राप्त हो सकता है तो मैनूं फिर होर जीवन विच बदलन की जरूरत है जीवन विच सच धारण करन दी की जरूरत है क्योंकि बड़ा सौखा लगा बड़ा सौखा लगा वेखो एक सवैया आपां धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा नितनेम विच रोज पढ़दे हां सतगुरु कह लगे असल विच मनुख कर की रहा है कि कहां भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नहात प्रियो लिए सात समुंदरन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बख्यान स्यों बैठ कै ऐसे ही ऐसो बैस बितायो गल की सी के साच कहूं सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो किन्ही प्रपायो ये ते बड़ा सौखा सी अखां मीट के बैठना ये ते बड़ा सौखा सी तीर्थां ते इशनान कर लेना ये ते बड़ा सौखा सी कुछ ज्ञान हासिल करके दूजियां नाल विचार चर्चा कर लेनी पर जिहड़ा औखा सी ओह औखा की सी जो गुरु नानक साहिब ने कहा सी कि जो तो प्रेम खेलन का चाहो सिर धर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै कान ना कीजै ओह औखा सी जो भगत कबीर जी ने कहा सी भाई जिस मरने ते जग डरै मेरे मन आनंद मरने ही ते पाईए पूर्ण परमा नंद जदों तकर अंदरों ओह विचार नहीं मरदे क्योंकि गुरु नानक साहिब दे ही बचन कहिंदे विचारां नूं मारेगा माड़ियां विचारां नूं तां तूं सर सकदेगा विचार मारे तरे तारे
उल्ट जोन ना आवे। जदों तू अपने मन दे विचारां नू जिहड़ी अपनी मत अनुसार तेरे विचार ने उहनां नू मारेगा। सत्संग जो मैं बेनती करिया सी, भगत कबीर जी कह लगे भाई मैं औखा राह अपनाए। औखा राह की? जिहड़ा सच ते चलण वाला। ते हो सकदा है जिवें आपां विचारिया कि जिवें गुरु नानक साहिब नू लोकां ने भूतना ते बेताला ते कुराइया आदिक किया, हो सकदा है भगत कबीर जी नू भी ऐसे अखर कहे होण कि इह ते दलाल है, इह कुटन है भाई, इह ते ठग है, इह फरेबी करन वाला है। क्योंकि वेदां दी शास्त्रां दी जां जो विद्वान करे ने उहनां दी गल नू मनदा ही नहीं। सत्संगत सोच है, विचार है मन दे अंदर, विचार आवे ते विचार जिवें मैं बेनती कीती कि यह नहीं कि अपनी मतवल दे अर्थ कढे जाण। गुरबाणी दे अंदर भी कई बार आपां वेखदे हां कि अपने आप की प्रोड़ता करन लई एक जां अद्धी पंक्ति दे आपां अर्थ लैके ते उस गल की प्रोड़ता करदे हां। नहीं, धन गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर भी बहुत कुछ प्रतीक रूप में वरत्या गया। वेखो गल समझ आ जाए, आपां गुरबाणी अंदर बार बार पढ़ते हाँ कि चार खाणियां ते चार बाणियां की गल, जां आपां पढ़दे हां 84 लख जीआं दी गल, बार बार आपां पढ़दे हां। पर गुरु नानक साहब ने यह फैसला नहीं दिता। गुरु नानक साहब ने यह वह अखर वरते गुरु साहबाना ने, भगत साहबाना ने, जो पहला तू वरते जा रहे सी। पर जिथे अपने मत की गल आई, जिथे अपने विचार की गल आई, आपां जपजी साहब अंदर ही पढ़ते हाँ सतगुरु ने कहा नहीं, चार खाणियां नहीं, चार बाणियां नहीं, कहिंदे केतियां खाणी, केतियां बाणी, केते पात नरंद। ते अज ते बिल्कुल साइंस ने भी सिद्ध कर दिता। मैं कनेडा विच सी, उत्थे एक मैं मैगजीन पढ़िया जिदे अंदर एक गल लिखी सी कि अमरीका दे विच एक ऐसे दरख्त की खोज हुई, एक ऐसे दरख्त की खोज हुई जिदे अंदर अग नहीं है, जिसकी लकड़ नू अग नहीं साड़दी। ते ओ कहिंदे ने भाई हुण इस नू किस खाणी विच रखांगे, क्योंकि सारे दरख्तां दे अंदर अग है, इसनों केड़ा वखरा आपां एक कितों पैदा होया, किस ढंग नाल इसकी की खाणी जां इसका की गिनांगे, इनू बनस्पति विच किस रूप विच रखांगे। सो सत्संगत कहन तों भाव गुरु नानक साहब दे बचन के केतियां खाणी, केतियां बाणी, केते पात नरिंद, अपनी समझ नाल नहीं, गुरु की मत नाल, गुरु की समझ नाल उस गल नू समझण दा यतन करना। ते दूजी विचार सत्संग जे आपां वेखीए, भगत कबीर जी कह रहे ने भाई कूटन किसे कहो संसार, तुसी दलाल किनू कहंदे हो, ठग फरेब किनू कहंदे हो। एक ना खासियत ठग दे विच भी है, जे हर एक मनुख एहो जिहा ठग बन जाए, जे एहो जिहा मनुख हर एक ठग बन जाए, जां अज आपां जिहनूं दलाल कहने आ ओह दलाल बन जाए, ठग दी खासियत की है? सत्संग ओह तुहानूं सामने रख के, तुहानूं उत्साहित करके, जां तुहानूं भरमा के, मनुख आपां वेखदे आ ना ठग जिहड़ा है ओह सामने रख के ठगी करदा, ओह किसे भुलेखे विच नहीं रखदा, भावें ओह भरम पांदा है, भावें सानूं मानसिक तौर ते ओह भरम भुलेखे विच जां उत्साहित करके सामने ठगदा। यह नहीं कि अंधेरे विच ठगदा, यह नहीं कि पिछों ठगदा, नहीं, सामने ठगदा है। ते सात संगत गुरबाणी अंदर जदों आपां पढ़ांगे ना, सतगुरु कहिंदे ने वेखते सही कदी अपनी जिंदगी दे अंदर, एक शब्द अंदर भगत जन कहिंदे ने दुनिया होशियार बेदार जागत मुसीयत हो रहे। भाई कहिंदे तू ते जागदियां ही लुटिया जा रही, तेनू जागदियां ही लुटिया जा रहा है। ते कहिंदे तेरे कोल इह भी सब कुछ है, निगम होशियार पहरुआ देखत जम लै जाई। कहिंदे तेरे कोल वेद शास्त्र भी ने, भाव के धर्म के ग्रंथ भी ने, होशियार तेनू सुचेत भी करते ने, पर तू सुचेत होंदिया ही लुटिया जा रही, किवें लुटिया जा रही है, किवें ये ठग तेनू लुट रहे ने। सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह दे बचन कहिंदे राज माल रूप जुआत जोबन पंजे ठग, कहिंदे ये पंजे ठग तेनू जिंदगी विच तेरे सामने देखदियां तेनू लुटी जा रहे, तेनू पता ही नहीं लग रहा, तेनू समझ ही नहीं आ रही कि ये तेनू किवें लुटी जा रहे ने, किवें तेरे जीवन दे विच राज मिलदा है। राज करना कोई माड़ी गल नहीं, राज विच प्रबंध करना, न्याय देना, पर राजे हो के केवल अपना ही हक ते अधिकार समझना, आप जो मर्जी जुल्म दुनिया ते जुल्म ढाई जाना, ये राज दी अवस्था विच
यानी कि राज अपनी अपनी थां ते सब दा राज है, अपनी अपनी थां ते जिनी जिनी किसे कोल ताकत है उदा उना उना राज है। कोई बिजनेस करदा है वह बिजनेस का बॉस है, कोई पिंड का सरपंच है, कोई स्टेट का मुख्यमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, भाव के अपनी अपनी थां ते जिन्ना जिन्ना किसे दा अधिकार है उदे अंदर न्याय करना यह राज करन दा एक फर्ज है। पर उदे विच ही मनुख लुटिया जा रहा, वह कहिंदा मेरा ही अधिकार है, मैं सब कुछ कर सकता हाँ। तो आप वेखने कि जिन्ना राजियां ने इस भाव नाल राज कीता, जिन्ना राजियां ने अज तक इतिहास विच वेखिए इस भाव नाल जिन्ना ने राज कीता वह राज तों की बने, चंगे राजे नहीं कहलाए, सुचजे राजे नहीं बने, बल्कि वह राज दे विचों विभचारी, वह राज दे विचों जुल्म करन वाले, धक्का करन वाले बन के गए। ये जीवन विच जे आपां समझण दा यतन करिए ये लुटिया जा रहा। गुरु नानक साहब दा ते फलसफा सी ना, सतगुरु कहिंदे ने राज मैनू मिले, राज मेरे कोल होवे ते पर मेरा जीवन की होवे, कि सुल्तान होवां, मेल लश्कर तख्त राखां पाओ, हुक्म हासिल करी बैठा, नानका सब वाओ। पर यह सब कुछ होंदिया होवे कि मत देख भूलां विसरै, तेरा चित ना आवे ना। इसे तरह धन की गल करिए, धन कोल आ गया, धन की ताकत नाल मनुख दुराचारी बन गया, विभचारी बन गया, मनुख ने दुनिया के उत्ते जुल्म करने शुरू कर दिते। रूप की गल, रूप लुटी जा रहा है। जे जवानी की गल कहीए, मनुख जवानी विच किसे दी गल सुनन भी तैयार नहीं होता, जवानी उन्हों लुटी जा रही है। जात किसे कोल जात वड्डी बनाई ते संसार ने, क्योंकि संसार ने बनाई जात, संसार दे जात दे अभिमान करके कोई अपने उसे हंकार विच लुटिया जा रहा है। ते सतगुरु कहन लगे भाई ये ठग तेनू तेरे देखद्या तेनू ठगी जा रहे ने, राज माल रूप जात जोबन पंजे ठग, कहिंदे इन्नी ठगी जग ठगिया किसे ना रखी लज, इन्हां ठगां ने सारिआं नूं ठग लिया, किसे दी इज्जत नहीं रहण दित्ती। कहन लगे इन्हां ठगां नूं ठगेगा कौन, क्योंकि जो मैं बेनती करनी चाहता सी, जो भगत कबीर जी ने समझाया इस शब्द अंदर, तुसी ठग उसनू कहिंदे जिहड़ा दुनिया नूं ठगदा, जिहड़ा दुनिया नूं धोखा ते फरेबी देंदा है। कहिंदे ठगण दे सगल बोलण के माहे विचार, ठगण दे अर्थ ये भी हो सकते ने कि इन्हां ठगण ठग से जे गुर की पैरी पाए, जेड़े इन्हां दे विषय विकारां नूं ठग लै, जेड़े काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं ठग लैण, जेड़े ईरखा ते द्वेष भावना नूं ठग लैण, कहिंदे असल विच उह भी ठग ने। इन्हां ठगण ठग से जे गुर की पैरी पाए, जेड़े पर ठगणगे कौन, जेड़े गुरु की चरण शरण विच आणगे, जेड़े गुरु की मत नूं धारण करनगे। इन्हां ठगण ठग से जे गुर की पैरी पाए, नानक करमां बाहरे होर किते मुठे जाए। कहिंदे भाई भागां तों बिना, भागां तों बिना कहिंदे भाई किन्ने इस संसार तों अपने आप नूं ठगा के जा रहे ने, इन्हां विशे विकारां विच इस रूप जोबन जवानी ते राजमाल दे हंकार विच ठगा के अपने आप नूं जा रहे ने। सो सत्संगत यह भी भाव इस गल तों आपां लैण दा यतन करना कि भाई भगत कबीर जी नूं हो सकदा है लोकां ने यह नाम दिते होण, यह क्या होवे कि भाई ये ते ठग है, क्योंकि दुनिया की चाल नाल नहीं चलता, दुनिया के नाल नहीं चलता। सो सत्संगत जिहड़े वेद शास्त्र ने उन्हां दी गल नूं नहीं मनदा, क्योंकि सत्संगत बेनती एक इस गल नूं जरूर ध्यान विच रखना कि भगत जना ने सतगुरु साहिबाना ने किसी धार्मिक ग्रंथ की विरोधता नहीं की, हाँ उस धार्मिक ग्रंथ के उपदेशों किसी ने अगे किस ढंग नाल वरतिया, किस ढंग नाल समझाया, उहदे विचों दुनिया नूं की दसिया की समझाया, इस गल की जरूर सतगुरु ते भगत साहिबाना ने विरोधता की। भाई नहीं, जो उस दे विच सच है उन्हूं दर्शाण दा यतन करो। ते सतसंगत भगत कबीर जी बख्शिश कर समझा रहे ने, कहिंदे भाई कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के माहे विचार। कहिंदे भाई इस अखर दे अर्थ कूटन तू भाव ठग फरेब दला, कहिंदे इस अखर दे अर्थ वक्रे वक्रे हो सकते ने, कहिंदे पर असल विच कूटन कौन है, भाई कूटन कौन है। भगत कबीर जी बख्शिश कर रहे ने आरंभक पंक्तियां अंदर,
कूटन सोए जो मन को कूटे। कहिंदे असल विच कूटन कौन है, क्योंकि दोवें भाव दे आपां अर्थ कर सकते हाँ, कुटन वाला मन नूं कुटन वाला, मन नूं मारन वाला जां मन नूं ठगन वाला। क्योंकि मन की बिरति जो है, मन की बिरति, क्योंकि मन तो बिना अध्यात्मक की साधना नहीं है, जीवन की साधना नहीं है। मैं पहला भी बेनती की थी, भगत कबीर जी ही अपने शब्दों अंदर कहते ने कि मम्मा मन स्यों काज है, मन सा दे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई। क्योंकि इस मन नूं एवें माड़ा कही जाना, इस मन नूं माड़ा भी किया, इस मन नूं चंचल भी किया, इस मन नूं इत्थे तक धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहिंदे ने मन खुटहर तेरा नहीं विसास, तू महा उदमादा, खरका पैखर तो छुटे जो उपर लादा। कहिंदे हे मन तेरा कोई विश्वास नहीं, ये आपां सारे ही अपने मन अंदर झात मार के वेख सकदे हां, इस मन का कोई विश्वास नहीं। क्योंकि इस मन की ऐसी अवस्था के कबहू जीड़ा ऊब चढ़त है, कबहू जाए प्याले, लोभी जीड़ा थिर ना रहत है, चारे कुंडा भाले। ये तो पता नहीं किस पासे कदों भज पैंदा। आपां इत्थे बैठे हाँ क्योंकि मन की जिहड़ी तेज रफ्तार है, मन जिन्ना तेज दौड़ाक है, जिन्ना मन चंचल है, गुरु अमरदास पातशाह दे बचन आपां रोज पढ़दे हां, मन नूं संबोधन करके कहा, कह लगे तू चंचल बहुत है, तू बड़ा तेज दौड़ाक है। अज तक आपां वेखीए कि सूरज दीआं किरणां दी आण दी गति भी मेजरमेंट हो गई, नाप ली गई, पर मन की गति कोई नाप नहीं सकता कि यह मन इस टाइम इत्थे है, छिन विच पता नहीं हजारां करोड़ां किलोमीटर दूर जा सकता है, पहुंच जाता है। सो जिथे तक वो पहुंच जाता है उसकी गति कोई नाप नहीं सकता, कोई पहचान नहीं सकता उसकी गति। सो सत्संगत मन नूं रोकना, मन नूं ठहराना, किवें ठहराया जा सकता है, किवें रोकया जा सकता है मन नूं। सो भगत कबीर जी कहिंदे ने ये मन रुकेगा किवें, कि जदों आपां इस मन नाल गल करांगे। एक मैं बेनती होर करां कि अपने मन नाल गल करनी, अपने मन नाल अपने विचारां नाल गल करनी। वेखो एक गल सानू धन गुरु अर्जन देव पातशाह रोज चेते करांदे ने कि करो बेनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला, औद कटै दिन सरै नारे, मन गुरमिल का सवारे। मना तू गुरु नूं मिल के का सवार, हुण मन नाल गल किवें करांगे, जिवें धन गुरु अमरदास पातशाह करदे। इस दी चंचलता नूं वेख के सतगुरु कहिंदे ने ए मन चंचला चतराई किने ना पाया, चतराई ना पाया किने, तू सुन मन मेरे, तू ए मेरे मन सुन, अपने मन नाल गल करनी। वेखो धन गुरु अमरदास पातशाह ने ना अपने हर ऑर्गन नाल गल कीती, अपने हर ज्ञान इंद्रिय नाल गल कीती, सानू सिखाया कि तुसी इस ढंग नाल इस गल नूं करो, अपनियां अखां नूं संबोधन करके, अपने कन्नां नूं संबोधन करके, अपनी रसना नूं संबोधन करके। क्यों? ये अति जरूरी है कि आपां अपने मन नाल गल करिए। पर एक बेनती कि जदों मनुख मन नाल गल करदा है ना, मन नाल जदों मनुख गल करदा है, क्योंकि मन नाल गल करन लई मनुख नूं अंदर जाना पवेगा, अंदर ध्यान करना पवेगा, अपने आप नूं वेखना पवेगा, ते मन दे विच्चों ओ बुरियाईयां ओ माड़ियां आदतां मनुख दे सामने आंदियां, मनुख डर जांदा। इसे करके आपां वेखदे हां कि बाहर मनुख सारा दिन बैठा रहे अपने कामकार विच, अपने कारोबार विच, अपने घर विच बैठा रहे सारा दिन, सारा दिन गलबात करदा रहे, मनुख कदी अकदा दे थकदा नहीं। पर जदे कदी अद्धा घंटा जां घंटा जां पंज दस मिनट कला चुप करके बैठे ना, ते अंदर नूं ध्यान मारे, ते मनुख नूं अवासियां, मनुख नूं तन विच थकावट नजर आएगी। क्यों? क्योंकि अंदर मनुख जाना नहीं चाहता, अंदरों मनुख नूं अपनियां उणताइयां दिसणगियां, अखां नाल वेखांगे बाहर दियां उणताइयां दिसणगियां, गल्लां बातां नाल बाहर लोकां दे विचार सवण करके दिसणगे। पर जदों अंदरों वेखांगे, अंदर नूं जावांगे, ते अपनियां उणताइयां विखणगियां। सो भगत कबीर जी कहिंदे ने भाई कूटन कौन,
भाव के ओ मन नू कुटन वाला कौन कहिंदे कूटन सोए जो मन को कूटे कहिंदे असल विच ओ कुटन वाला है मन नू जां ओ मन नू ठगन वाला है जिहड़ा अपने मन नू ठगे अपने मन नू कुटे पर यह मन इन्ना कपटी है। भगत कबीर जी की बाणी विचों ही आपां समझांगे मनुख जिहड़ा है ना क्योंकि अगली पंक्ति आ रही है मन कूटे तो जमते छूटे ते अगे कहिंदे ने भगत कबीर जी कुट कुट मन कसवटी लाए क्योंकि मन नू परखना कि यह किन्ना कु मरिया है किन्ना कु आपां इहनू कुट लिया है क्योंकि मन नू कुटन की बजाए ना मन नू रोकन की बजाए मन नू विचारन की बजाए विचारां नू बदलन की बजाए संसार दे लोकां ने की कीता कि इस मन नू कमजोर करन दे वास्ते संसार ने तन नू कमजोर करना शुरू कर दिता तन नू मारना शुरू कर दिता तन नू कष्ट देने शुरू कर दिते तन नू कष्ट देने शुरू कर दिते कि मन की साधना हो जाए। संसार दे लोकां ने अपने तन नू पुठा लटकाया तन नू धूणियां दित्तियां तन नू ठंडे जल विच रखिया जल धारे कीते तन नू खाण पीण नू कुछ नहीं दिता पर उसका तो मन नाल संबंध नहीं है उसका मन नाल संबंध नहीं। वेखो आपां रोज पढ़ते हाँ कि तन नू धोण नाल तन नू साफ करन नाल मन साफ नहीं हो सकता। जपजी साहब अंदर आपां रोज पढ़ते कि भरिए हथ पैर तन देहे पाणी धोते उतर सखेहे मूत पलीती कपड़ होए दे सबून लईए ओ धोए भरिए मत पापा कै संग ओ धोपै नामै कै रंग उते नाम दी हजूरी विच रहा नाम जपन नाल नाम नू ध्यान विच रखन नाल इस मन दी मैल उतरनी पर ऐसा मनुख ने कीता नहीं। मनुख तन नू ते जंगलां विच लै गया तन नू ते पुठा लटका लिया तन नू ते बड़े कष्ट दिते पर की मन उते साफ हो गया मन उते पवित्र हो गया। कहिंदे नहीं इस गल दा कसवटी लानी इस गल ते क्योंकि मनुख यतन करे मनुख किसी गल नू समझे मनुख किसी काम वल बिजनेस वल चले तो फिर उहदा लेखा जोखा भी करे ना कि मैं कित्थे तक पहुंचिया की मैनू प्राप्त होए मनुख ने यह भी तो सोचना। सो सत संगत भगत कबीर जी कहिंदे ने कि कूटन सोए जो मन को कूटे प्राप्त की होवेगा मन कूटे तो जमते छूटे जे मन नू मारेगा विचारां नू बदलेगा मन नू कुटेगा ते तेरा जमा तू छुटकारा हो जाएगा। जम कौन काम क्रोध लो मोह विषय विकार ये सारे जम तेरे तू दूर चले जाएंगे तू इन्हां जमा तू छुट जाएगा। ते भगत कबीर जी कहिंदे कुट कुट मन कसवटी लावे इस मन नू कुट कुट के फिर इस मन नू परखे कसवटी लाए जिवें सुनियारा एक पत्थर राही सोने नू परखदा इस मन नू परखे ते मन किन्ना कु कपटी है मन किन्ना कु कपटी। भगत कबीर जी बचन करदे ने कहिंदे बहु परपंच कर परतन लियावै सुत दारा पै आन लुटावै मन मेरे भूले कपट ना कीजै अंत नबेरा तेरे जी पै लीजै। आपां अज दे परपेख विच अपने विचों इस गल नू समझण दा यतन करिए इह मन किन्ना कपटी है मन नू आपां जगाया यतन कीता जगाण दा मन नू मनाया मनाण दा यतन कीता अपने जीवन विच आपां वेखणा है मन बड़ा प्यारा लगदा है मन नू कि अमृत वेले मैं सौवां मैं नींद करां मन नू सुख लगदा है क्योंकि तन दा सुख मन नू प्रभावित करदा है सुख लगदा है। मन नू मनाया मन नाल हठ कीता मन जाग पिया तन जाग पिया मन दे कहण ते पर फिर भी मन आपां गल समझण वास्ते कि आपां गुरु घर विच आ गए मन नू मनाया मन नू यतन कीता कि गुरु घर विच आवे गुरु घर विच आ गए पर जो गुरु घर विच आ के करना चाहिदा सी की करना चाहिदा सी कि गुरु का शब्द श्रवण करना गुरु के शब्द दी विचार श्रवण करनी। रोज भाई साहब इस गल दी बेनती कर दे बई संगत विच जिन्ना भी आपां आईए वध तों वध समां बैठ गुरु की शब्द विचार जिहदे नाल जीवन बदलना है। पर मन दा कपट की मैं संखेप अर्ज करा मन दा कपट की मन गुरु घर आया भी मथा भी टेकिया पर मन ने कहा भई भाई जे गुरु घर ते आई गया
उन बार दो घड़िया किसी नाल गल्लां करके चला जावां जां सरोवर दे कंडे सैर करके ही चला जावां। गुरु घर ते मैं आई गया, गुरु घर दी जो मर्यादा जो रीत है उसनूं समझण दी बजाए अपने अनुसार ही गुरु घर विच आके चला गया। ये मन कपटी है, मन कपट करदा क्योंकि मन उत्थे टिकण नहीं देंदा। पर मन नूं आपां कादी कसवटी लानी, सत संगत भाई गुरदास जी कहिंदे ने मन नूं कसवटी ला गुरमत दी, ते गुरमत दी कसवटी की गुरु दी मत नूं सत करके मन, ते जे तू सत करके मनेगा ना। भाई गुरदास जी एक कवित विच बख्शिश करदे ने कहिंदे गुरमत सत कर सिमल सफल पए, कहिंदे जे गुरु दी मत नूं तू सत करके मने ना कहिंदे आ वेख सिंबल वर्गा रुख जिदा ना फल कम दा ना पत्ते कम दे, भाव के जिस मनुख दा जीवन किसे कम दा नहीं, ना उहदे कोलों किसे नूं कुछ मिलन दी आस, ना किसे नूं उहदे कोलों कुछ सुख दी आस। पर कहिंदे ऐसा मनुख भी जे गुरमत नूं सत कर मन ले ना, गुरमत सत कर सिमल सफल पए, गुरमत सत कर बास में सुगंध है। गुरु दी मत सत करके मनन नाल बांस वर्गा वृख जिहड़ा अंदरों खाली है, जिदे विच गंढा ने, भाव के ऐसे कपटी मनुख जिहड़े अंदरों बिल्कुल खोखे कोई गुण नहीं, जिन्हां दे अंदर कपट दीआं गंढां ने, कहिंदे भाई उन्हां विच भी सुगंधी भर जांदी। ते अगली पंक्ति गुरमत सत कर कंचन मनूर भय, कहिंदे जिहड़ा मनूर सड़िया होया लोहा है ना, भाव के जिहदा जीवन इहो जिहा मनुख दा, भाई वह भी कंचन सोने वर्गा हो सकदा है। ते अगली गल गुरमत सत कर परखत अंध है, कहिंदे जे गुरु दी मत नूं तू सत करके मने ना, ते जेड़ी तेरी परखण दी समझ है, जेड़ी तेरी परखण दी विवेक बुद्धि है, वह तेनू प्राप्त हो सकती, तू परख सकेगा कि भाई मैं जिहड़ा कर्म कर रहा हाँ कि वाकई ये गुरु दे अनुसारी है, जिहड़ा मैं कर्म कर रहा हाँ ये गुरु दे अनुसारी है, कि जाके ऐसा हो गया जिन्हों सतगुरु ने कहा भी कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जगाती लूटै। धर्म के नाते किते कर्म किते पखंड रूप से नहीं धारण कर गए, किते दिखावा ते नहीं हो गया, क्योंकि धर्म के नाते कर्म भाई वह कर्म प्रवान ने, वह सेवा प्रवान है, सा सेवा की सफल है जित सतगुरु का मन मने, जां सतगुरु का मन मनिया तो पाप कसमल भने। ये सतगुरु को आके ही ये मत लैनी पवेगी। ते भाई गुरदास जी अगे कहिंदे ने गुरमत सत कर काल कूट अमृत होए, कहिंदे जिन्हां ने गुरमत नूं सत करके मनिया, जिन्हां दा जीवन बिल्कुल जहर वर्गा सी वह अमृत वर्गा हो गया। गुरमत सत कर काल कूट अमृत पए, काल पए अकाल अस्थिर कंध है, गुरमत सत कर जीवन मुक्त पए, रहना संसार विच ही है, संसार तों भजना नहीं, इन्हां विषय विकारां नूं वेख के दौड़ नहीं जाना, ग्रस्त नहीं त्याग देना, संसार नहीं त्याग देना, संसार विच रह के इन्हां नूं संजम विच करना। माया में उदास दास बंद निर्बंध है, माया दे विच रहना संसार दे विच रहना, पर उहदे विच बंधना तू मुक्त होके निर्बंध होके रहना, इन्हां दे बंधना दे विच नहीं रहना। भगत कबीर जी कहिंदे ने भाई कुट कुट मन कसवटी लावे, क्योंकि एक बेनती होर करां, भगत कबीर जी ने अपने श्लोकों अंदर यह बख्शिश की, कह लगे भाई जिहड़ी एक कसवटी है ना, जिहड़ी गुरु के शब्द की जिन्हों राम की कसवटी भगत कबीर जी ने कहा, कह लगे कबीर कसौटी राम की झूठा टिकै ना कोए, राम कसौटी सो सहै जो मर जीवा होए। इस कसवटी नू इस परख नू ओहो ही सह सकता है गुरु दे अनुसारी होण वाला, जिहड़ा अपने मन विच यह गल रखे कि जिहड़ी मेरी मत है उन्हूं मैं मार के गुरु की मत धारण करके जीवन बतीत कर सकदा हाँ। जिहदे अंदर यह प्रबल इच्छा होवे सो कूटन मुकत बहु पावे, कहिंदे भाई ऐसा मन नूं कूटन वाला कूटन भाई वह मुक्ति प्राप्त कर लैंदा है, उन्हूं जीवन विच यह मुक्ति प्राप्त हो जाती विषय विकारां तों। ते अगे रहाउ दीआं पंक्तियां तों अगे भगत कबीर जी बख्शिश कर रहे ने, नाचन सोए जो मन स्यों नाचै, नचण वालियां नूं समाज चंगा नहीं समझदा, चंगा नहीं सी समझदा, भावें कि एक कला है, अज कला है, पर क्योंकि जिस कला नूं जिस नज़र नाल वेख्या जाए जां जिस करके वह वरती जाए उस कला नाल ओहो जे
अखर जुड़ जाते हैं, ओ जे नाम जुड़ जाते हैं, पर जे आपां उन्हां दी कला विच्चों भी एक गुण सीखना चाहिए ना, कला दे रूप विच वेखिए, ते जिहड़ा नचण वाला मनुख है ना, उहदा अपने तन दे अत दा कंट्रोल हुंदा है, उहदा अपने तन ते अत दा कंट्रोल, कि अखां नूं किस समें खोलना है, किन्ना बंद करना है, हथां नूं किस ढंग नाल चलाना है, पैरां नूं किस ढंग नाल चलाना है, ये बड़ी एक लय ताल दी गल है, बड़े कंट्रोल दी गल है। ते भगत कबीर जी कहिंदे ने असल विच इह ते तन दा नचना सी ना, तन दे नचण वाले नूं नचण तुसीं कहिंदे हो, पर असल विच नचण कौन है जिहड़ा इन्ना कंट्रोल करके, इन्ना अपने आप नूं संजम विच रख के मन नाल नचे, मन नाल नचे, नचण सोए जो मन स्यों नचे, जिहड़ा अपने मन नाल नचे, झूठ ना पतीए परचै सच, ते भाई वह झूठ विच ना पतीजे, हमेशा सच विच पतीजे, सच नाल परचे, इस मन आगे पूरै ताल, ते कहंदे भाई इस मन नू जिहड़ी नाल ताल देनी ना, जिहड़ी लै देनी, वह गुरु की मर्यादा अनुसार, गुरमत अनुसार इस मन नू उत्साह दे, इस मन नू लै ते ताल दे, क्योंकि नाच का संबंध लै ते ताल नाल है, वह ताल ते उत्साह दे मन नू, इस नाचन के मन रखवाल, कहंदे भाई जिदा मन इस ढंग नाल नचिया, जिहड़ा एहो जिहा नाचन है, नचन वाला है, उहदे मन दा रखवाला ते आप प्रभु बनदा है। बजारी सो जो बजारै सोदै, बजारी तों भाव मस्करियां करन वाला, जां रासधारियां वास्ते भी बजारी अखर वरत्या जांदा सी, आप जी आसा की वार विच सुणदे हो, बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार, जिहड़ा मस्करियां करन वाला, कहंदे एहो जिहा बाजारी जिहड़ा अपने बाजार भाव के अपने शरीर नाल मस्करियां करे, शरीर नूं सोधे, पांच पलीते को प्रबोधे, भाई पांच पलीते इन्हां पंज ज्ञान इंद्रियां नूं जिहड़े निंदिया सुन कारण, माड़ा वेखण कारण, ईरखा दे बोल बोलन कारण, माड़ियां सुगंधियां लैण कारण, यह पंज ज्ञान इंद्रिय जिहड़े पलीत होए ने, भाई इन्हां नूं प्रबोधे, इन्हां नूं चंगा बनाए, इन्हां नूं समझाए कि की तुसी सुनना है, की तुसी बोलना है, की तुसी वेखना है, इस ढंग नाल इन्हां नूं समझाए, नौ नायक की भगत पछाने, ते नौ नायक भाव के नौ खंड पृथ्वी, इह सारियां दा जिहड़ा मालव है, मालक है, नौ नायक की भगत पछाने, उसकी भगती की पछाण करे। भगत कबीर जी कहिंदे सो बजारी हम गुर माने, गुर तू भाव वड्डा, कहिंदे ऐसे बजारी नूं असी श्रेष्ठ मनदे हां, ऐसे बजारी नूं असी वड्डा मनदे हां, जिहड़े अपने तन नाल विशे विकारां नाल मशकरियां कर जाए, उहनां नूं मखौल कर जाए, भाव के उहनां नूं नेड़े ना आण देवे। ते अंतलियां पंक्तियां अंदर भगत कबीर जी बख्शिश कर समझा रहे ने, तस्कर सोए जे तात ना करे, कहिंदे तस्कर तू भाव चोर, कहिंदे चोर कौन जिहड़ा अपने अंदरों ईरखा नूं खत्म कर ले, तात नूं खत्म कर ले, तस्कर सोए जो तात ना करे, इंद्री कै जतन नाम उचरे, ते भाई अपने इंद्रियां नूं वस करके, इंद्रियां नूं वस करके नाम उचारे, भाव के नाम नाल जुड़े, गुणा नाल जुड़े, कहो कबीर हम ऐसे लखण, भगत कबीर जी कहिंदे ने भाई असी ऐसे गुण प्राप्त कर ले, ये सारे जीवन नूं साधन वाले गुण प्राप्त कर ले, कहो कबीर हम ऐसे लखण, धन गुरुदेव अत रूप विचखण, कहिंदे भाई जिस दी कृपा नाल ऐसी गुणा नूं जीवन विच धारण कीता है, वो साडा गुरु धन है, गुरदेव धन है, वो गुरु बड़ा रूपवान है, बड़ा स्याणा ते सोहना है, सो सासन आओ सतगुर कृपा करन, बख्शिश करन, साडे जीवन दा भी ये मनोरथ बने कि असी अपने ज्ञान इंद्रियां नूं, क्योंकि तन मन होए निहाला, कदों निहाल होवेगा तन ते मन, जदों मन दे विचार बदलणगे, ते विचारे होए बदले होए विचारां राहीं ये तन भाव के ये ज्ञान इंद्रे साडे कर्म करनगे, ये ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे साडे कर्म करनगे, भाव के इन्हां नूं माड़ा सुनन की आदत खत्म होएगी, माड़ा बोलन की आदत खत्म होएगी, माड़ा वेखण की आदत खत्म होएगी,
ते परमेश्वर दे गुणा विच जदों साडा जीवन आवेगा फिर ए लोक सुखीए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले वाला जीवन बनेगा जी। आओ सत्संग समय मुताबक समाप्ति है, कृपा करनी सारिया ने असीस बख्शिश करनी, भुला चुका मेरिया गुरु के उपदेश नूं हिरदे विच वसाउण दा यतन करना, तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद। सतगुरु सारिआं ते कृपा करन जी, सारिआं नूं दरों करो नामदान गुरसिखी जीवन बख्शिश करन। आओ सत्कारयोग भाई साहिब पासों आनंद साहिब दा पाठ श्रवण करो जी, दासे नूं फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।